आम इंसान गाड़ियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतों के लिए करता है, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि ये गाड़ियां उनके लिए सुरक्षा और बचाव का भी जरिया होती हैं। सेलिब्रिटी, देश के राष्ट्राध्यक्ष, राजनेता, सीक्रेट सर्विस ऑफिसर, सेना और यहाँ तक कि अपराधी भी ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका कोई भी बाल बांका ना कर सके। इस वीडियो में आज हम आपको ऐसी ही गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर बम, गोली, बंदूक और यहाँ तक कि लैंडमाइंस का भी असर नहीं होता। वैसे तो बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी है जिन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट में आने वाली कार नंबर 10 की, ट्रेडाइन गोरखा। बेसिकली एक बख्तरबंद एसयूवी है जो जॉम्बी प्रूफ डिफेंस सिस्टम से लैस है। इस बख्तरबंद गाड़ी का निर्माण कनाडा में होता है और 3 अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल इस गाड़ी को फोर्ड F550 के चेसिस पर बनाया गया है। इस गाड़ी पर 7.62 mm की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। इस गाड़ी को 2.5 feet गहरे पानी में भी आसानी से चलाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2.5 feet गहरे पानी में चलने के लिए इसे इतनी ताकत कहां से मिलती है। इस गाड़ी में 6.7 V8 टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है। इस इंजन से 330 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है और 660 PSI का टॉर्क जनरेट होता है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमीटर के साथ 6 गियर हैं। इसके 3 वेरियंट लाइट आर्मर्ड पेट्रोल व्हीकल यानी LAPV, मल्टीपर्पज पेट्रोल व्हीकल यानी MPV और रैपिड पेट्रोल व्हीकल यानी RPV है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 150 लीटर की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इंकस ह्यूरॉन APC। इस कैनेडियन कंपनी की गाड़ी के नाम में इस्तेमाल APC का मतलब होता है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी बख्तरबंद कार्मिक वाहन। ये एक मल्टीपर्पज गाड़ी है जो अपने यात्रियों को किसी भी हालत में सुरक्षित रखने का दावा करती है। ये डिजाइन ऐसा है कि जंगल, पानी, बर्फ, शहर, कहीं भी इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। इस गाड़ी को पूरी दुनिया में काफिले की सुरक्षा, लॉ एनफोर्समेंट प्रोटेक्शन और सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। गाड़ी में इस्तेमाल बैलिस्टिक डिजाइन और स्पेशल सुरक्षा कवच का मकसद किसी भी हालत में यात्रियों की सुरक्षा करने की क्षमता को मजबूत बनाता है। ये बख्तरबंद गाड़ी 7.62x51 गोला बारूद और 18 नैटो बॉल का हमला झेल सकती है। इस गाड़ी का फ्लोर किसी भी तरह के ब्लास्ट को बर्दाश्त कर सकता है। इसमें लगने वाली हर आर्मर प्लेट को लैबोरेटरी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये ना सिर्फ इनकस करता है बल्कि कानून के मुताबिक थर्ड पार्टी से करवाना होता है। इसमें 6.7 लीटर 6 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है जो इसे 325 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इस बख्तरबंद गाड़ी में 16 लोग बैठ सकते हैं। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 284 लीटर है। मर्सिडीज बेंज G63 AMG। बात अगर लग्जरी कारों की हो तो मर्सिडीज का नाम ही काफी है, लेकिन कंपनी की एसयूवी आती है और भी जबरदस्त सुरक्षा कवच के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्सिडीज बेंज G63 AMG के विंडशील्ड को AK-47 से फायर करके टेस्ट किया गया था, लेकिन AK-47 की एक गोली भी विंडशील्ड को चीर नहीं पाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एसयूवी कितनी सुरक्षित है। ये एक 6-wheel SUV है जो किसी भी तरह की रोड पर चल सकती है, लेकिन इसको ऑफ रोड चलाने का अलग ही मजा है। इस गाड़ी में MG 4.0 liter V8 टर्बो इंजन लगा हुआ है जिससे इसमें 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है। इस गाड़ी को 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है। 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में इसे सिर्फ 4.5 seconds लगते हैं। राइनो GX। इस बख्तरबंद एसयूवी को US स्पेशलिटी व्हीकल बनाता है। कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी भीड़ का हिस्सा नहीं है और इसे देखने पर कंपनी का ये दावा एक हद तक सही भी लगता है। राइनो का डिजाइन ऐसा है कि देखते ही एक नजर टिक जाए। मार्केट में अवेलेबल तमाम एसयूवी में ये लार्जेस्ट लग्जरी एसयूवी है। इसमें 6.7 लीटर का V8 टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है जो इसे इतना पावर देता है कि ये 5 ton के पेलोड को आसानी से घसीट सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल लेयर कोल्ड स्टील और रोल केस बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है। इस गाड़ी के इंटीरियर में हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है।
स्मार्ट नेव 5 का इस्तेमाल किया गया है। इसका फ्यूल टैंक 150 लीटर का है। टोयोटा डेवोलोरो एक्स। टोयोटा की ये बख्तरबंद एसयूवी हर उस पैमाने पर खरी उतरती है जो एक आर्मर्ड एसयूवी में होनी चाहिए। डेवोलेरो को फोर्ड F-150 के नाम से भी जाना जाता है। अब आम इंसान किसी युद्ध टैंक को तो रोड पर चला नहीं सकता, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश टोयोटा डेवोलोरो पूरी कर सकता है। ये रोड पर चलते हुए किसी टैंक से कम नहीं दिखती। इस गाड़ी में 5.7 लीटर का V8 इंजन लगा हुआ है जो इसे 530 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इस गाड़ी को लोडिंग कस्टम ऑफ रोड व्हीकल भी कहा जाता है। इसके टायर इस बात की गवाही भी देते हैं। रेजवानी टैंक। सड़क पर चलते फिरते एक टैंक की तरह दिखता है। शायद इसके अमेरिकन कंपनी रेजवानी ने अपनी इस बख्तरबंद गाड़ी का नाम टैंक रखा है। रेजवानी की कारों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है और इन पर गोली बारूद का जरा भी असर नहीं होता। रेजवानी टैंक किसी कॉम्बैट व्हीकल की तर्ज पर बनाया गया है। ऐसे में ये बेहद ही मजबूत और सुरक्षित कार है। रेजवानी कार में 6.4 लीटर का V8 इंजन लगाया गया है जो 708 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। इसकी ताकत की बदौलत ये कार किसी भी तरह के रास्तों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देती है। पैरामाउंट मैरुडर। पैरामाउंट मैरुडर देखने में जितनी शक्तिशाली लग रही है, ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये माइंड प्रूफ है। ये गाड़ी किसी भी मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर सकती है। इस गाड़ी में 2 लोग आगे और 6 लोग पीछे बैठ सकते हैं। ये बख्तरबंद गाड़ी 8 किलो से 14 किलो TNT का ब्लास्ट बर्दाश्त कर सकती है। कैबिन और क्रू कंपार्टमेंट में काइनेटिक हमले से बचाव के लिए डबल स्किन स्पेस आर्मर हल लगे हैं। बड़े खतरों से बचाने के लिए इसमें अलग से आर्मर जोड़ा जा सकता है। रेंज रोवर सेंटिनल। रेंज रोवर को लग्जरी कारों में शुमार किया जाता है। ये कार सिर्फ लग्जरी भरी नहीं है बल्कि ये सुरक्षा के पैमाने पर एकदम खरी उतरती है। रेंज रोवर सेंटिनल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। रेंज रोवर 2020 सेंटिनल पर पॉइंट ब्लैंक पाइप बम और AK-47 या AR-15 के गन फायर का भी कोई असर नहीं होता। रेंज रोवर सेंटिनल में पावरफुल V8 इंजन लगा है जो कि 510 हॉर्स पावर डिलीवर करता है। इस SUV की टॉप स्पीड 193 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज रोवर की इस SUV में खास टायर दिए गए हैं जो कि पंक्चर होने या इसमें छेद किए जाने के बाद भी कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। अपडेटेड SUV में लगेज कंपार्टमेंट के जरिए रियर एस्केप हैच दिया गया है। यह व्हीकल के दरवाजे ब्लॉक होने पर काम आता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भी इस कार का इस्तेमाल किया जाता है। कार्लमैन किंग। इस बख्तरबंद SUV को बनाया है चाइनीज कार मेकर कंपनी IAT ऑटोमोबाइल ने। कंपनी इस SUV का प्रोडक्शन केवल 12 कारों तक ही सीमित रखेगी। इस कार को यूरोप में 1800 लोगों की एक टीम ने बनाया है। 6 मीटर लंबी इस SUV में 6.7 लीटर का V10 इंजन लगा हुआ है जो कि 400 PS का पावर जनरेट करता है। इसमें कार्बन फाइबर और स्टेल्थ स्टील का इस्तेमाल करके इसे बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इस कार की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस SUV में हाई फाई साउंड, अल्ट्रा HD 4K टेलीविजन, प्राइवेट सेफ बॉक्स और फोन प्रोजेक्शन सिस्टम है। कॉनक्वेस्ट नाइट XV। कॉनक्वेस्ट नाइट यानी विजय शूरवीर, जैसा नाम वैसा ही काम। बख्तरबंद गाड़ियों में ये गाड़ी नंबर 1 पर है। कॉनक्वेस्ट नाइट XV दुनिया की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है। कंपनी ने इस हैंडमेड SUV के सिर्फ 100 यूनिट ही बनाने का लक्ष्य रखा है। इस गाड़ी को बनाने में 4000 घंटे लगते हैं। नाइट XV के ट्रांसपेरेंट आर्मर को बनाने के लिए बैलिस्टिक ग्लास का यूज किया जाता है। नाइट XV की विंडो करीब 3.2 सेंटीमीटर मोटी है जिस पर AK-47 की गोलियां भी बेअसर रहती हैं। इस बख्तरबंद SUV में ऐसी सुविधा दी गई है कि गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति बाहर के किसी भी शख्स से बगैर खिड़की या दरवाजे खोले आराम से बात कर सकता है। इस बख्तरबंद गाड़ी के इंजन और पैसेंजर कंपार्टमेंट के बीच फायरवॉल प्रोटेक्शन की व्यवस्था भी की गई है जो मैग्नम 44 पिस्टल के हमले को भी झेल सकता है।
कॉनक्वेस्ट नाइट XV के आर्मर को हाई स्ट्रेंथ स्टील, बैलिस्टिक एल्यूमिनियम जैसे टॉप क्वालिटी की चीजों को मिलाकर बनाया गया है। इस गाड़ी में बिल्ट इन ऑक्सीजन सर्वाइवल किट, अंडर व्हीकल मैग्नेटिक अटैचमेंट डिटेक्शन सिस्टम, ब्लास्ट से बचने के लिए ब्लास्ट प्रोटेक्शन सिस्टम और ब्लैक बॉक्स सिस्टम मौजूद है। इस पावरफुल आर्मर SUV का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 238 लीटर है, लेकिन इसे अपग्रेड कराने का ऑप्शन भी कंपनी देती है। अब अगर इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो ये दो इंजन ऑप्शन में आती है। नाइट XV के पेट्रोल वर्जन में फोर्ड का 6.8 लीटर V10 इंजन लगा हुआ है, जिससे अधिकतम 326 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है। वहीं इसके डीजल वर्जन में 6.7 लीटर पावर स्ट्रोक V8 टर्बो डीजल इंजन लगा हुआ है। इस इंजन से अधिकतम 300 हॉर्स पावर की ताकत पैदा होती है। अगर कॉनक्वेस्ट नाइट XV की टॉप स्पीड की बात करें तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देती है। इन बख्तरबंद गाड़ियों में आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि इस लिस्ट में किसी और गाड़ी को जगह मिलनी चाहिए तो उस गाड़ी का नाम हमें जरूर कमेंट करें।